100 में से 40 विद्यार्थी जो बहुत गरीब तबके से आते हैं, तो उनका जो पढ़ने लिखने का अधिकार है, इस देश में जो कमजोर तबके के लोग हैं, उनका जो सपना है कि वो पी एच डी कर सके, उस सपने को फीस देने के माध्यम से छीनने की कोशिश की। जैसे एकलव्य का अंगूठा काट लिया गया था जो धनुष न चला सके, वैसे ही इन्होंने फीस बढ़ा दी है, गरीब पढ़ ना सके। लेकिन कुछ मुद्दे ये भी उठ रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ है वो शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए, उससे पॉलिटिक्स दूर की जाती है। तो पॉलिटिक्स की भी तो पढ़ाई होती है ना यूनिवर्सिटी में। मोदी जी इंटायर पॉलिटिकल साइंस से किए हैं एमए, ठीक है, डिग्री नहीं दिखाए हैं, दिखाइएगा जरूर, देखिए जी न्यूज है, दिखाइएगा जरूर। तो इंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे? तो राजनीति की पढ़ाई भी तो यूनिवर्सिटी में होती है, इसमें क्या समस्या है? इसमें समस्या नहीं है सर, समस्या कहीं और है। समस्या ये है कि जेएनयू जब तक बंद नहीं होगा तो जियो जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ एमिनेंस कैसे होगा, खेल समझिए। और बीएसएनएल नहीं अगर बंद होगा तो जियो धन धनाधन होगा सर, बताइए। डीडी वन ठीक से चलेगा तो जी न्यूज कौन देखेगा? ये मुद्दा समझ लीजिए सीधे सीधे। चलिए अंतिम सवाल, जो रविवार को जेएनयू में हुआ उसमें क्या लगता है आपको, दोनों तरफ से ये संघर्ष हुआ है या बच्चा है? नहीं, संघर्ष है, एक तरफ से पत्थर था और दूसरे तरफ से सर। लोग को ऐसे मत देखे, और उस सर की खता ये थी कि उसने कहा कि हम नहीं झुकेंगे, फोड़ दीजिए, काट दीजिए, लेकिन फीस वृद्धि को नहीं होने देंगे। इसीलिए एक तरफ पत्थर था और दूसरी तरफ सर थे। अब वो पत्थर किसके थे ये दिल्ली पुलिस आपको बताएगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस वहाँ मौजूद। वीसी ने भी एक कमेटी गठित की है पांच लोगों की, इसकी बात कर रहे हैं। वो वीसी जो है जिनसे यूनिवर्सिटी चल नहीं रही है, त्वरित संज्ञान लेते हुए हमारे मोदी जी को उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। उनका नाम खराब कर रहे हैं ये वाइस चांसलर सर, एक यूनिवर्सिटी उस आदमी से नहीं संभल रही है बताइए। और उनके कलीग को पीटा गया, टीचर को, वो तो किसी पार्टी से नहीं, टीचर का सर क्यों फोड़ रहा है, सोचिएगा।